सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज का थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि किस टॉपिक पे आज का व्लॉग। तो गाइस, आज का व्लॉग हमारा होने वाला है कि हाउ टू मोटो व्लॉग, मतलब मोटो व्लॉग कैसे करें और कैसे कोशिश करें और कैसे स्टार्ट करें और किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए और क्या बिना कैमरे के, मतलब कि फ़ोन से हो सकता है नहीं हो सकता, और सब चीज़ें आपको आज बताऊँगा इस व्लॉग में, सब चीज़ें क्लियर कर दूँगा। और पहले भी एक व्लॉग ऐसा बना चुका हूँ मैं, तो उसको भी जाके आप देख लेना। बाकी उसमें ज़्यादा कुछ मैंने बताया नहीं था, अपने बाइक की डिटेल्स वगैरह बताई थी। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको मोटो व्लॉग में क्या करना है और कैसे करना है और कैसे बनाना है, ठीक है। ध्यान रखो भाई, अपने को एक बाइक चाहिए सिंपल से, और बाइक के ऊपर जितना भी सेटअप होता है वो मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, अलग से वीडियो भी बना दूंगा कि मेरा सेटअप क्या है। और बाकी मैं अपना सेटअप के बारे में आपको बता दूँ, मेरे पास GoPro 7 है हीरो, जो कि मैंने सेकेंड हैंड लिया था रोहिणी से, और जाके जिन्होंने मेरी नहीं देखी वो वीडियो भी देख सकता है जहाँ से मैंने लिया था, उसमें सब एड्रेस वगैरह सब मेंशन है डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो में, तो जाके मेरे चैनल पे देख सकता है। सबसे पहली या मेरे ख्याल से दूसरी वीडियो मेरी वही थी मेरे चैनल पे। और कभी भी ध्यान रखो गाइस, अगर ये जाम आ जाता है, वैसे कि अब ये जाम सा लग रहा है, मतलब कि समझ रहे हो ना, और अगर ये जाम में अगर मैं चला रहा हूँ तो आपको जो ना यहाँ पर कुछ बोलना नहीं है, ठीक है। जाम वाम में आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलना है, सीधे चलना है, ठीक है। जब ये जाम हल्का सा खाली हो जाए, और अगर आपको मोटो व्लॉग करना है तो चलते चलते ही करना है, ठीक है। जाम में बिल्कुल नहीं बोलना है, और जाम में बोलोगे तो सामने वाला बंदा बोर होके चला जाएगा। जैसे कि अभी रेड लाइट हो गई है यहाँ पर, इस रेड लाइट पर ना रुक गए हम, रुकने के बाद ना आपको रुकते पे कुछ बोलना नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पर शांत हो जाना है बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ पर मोटो व्लॉग नहीं होगा ऐसे, अब गाड़ियों के पीछे चल लो यार, क्या कोई व्यू नहीं आता ना आगे का, इस मामले तो मोटो व्लॉग बेकार लगता है, बंदा जो ना छोड़ के भाग सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि अभी कार जा रही है, अब इसको जो ना ओवरटेक करके ओपन में आना है अपने को, फिर बोलना चालू करना कंटिन्यू जिस चीज़ के ऊपर आप व्लॉग कर रहे हो, ठीक है, जिस चीज़ के ऊपर आप मोटो व्लॉग कर रहे हो, ठीक है। और दूसरी बात एक ये भी है कि अपने बहुत से बंदे जो ना कन्फ्यूज़ होते हैं यार, कि वैसे बहुत तरीके के व्लॉग होते हैं ना कि हम यार कैसे व्लॉग करें। बहुत से बंदे पता है मोटो व्लॉग कैसे शुरू करते हैं, मोटो व्लॉग अपने फेस से शुरू करते हैं। तो भाई उनको जो ना प्रैक्टिस होती है, या तो उनके अंदर शर्म नहीं होती है बिल्कुल भी, और कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनके अंदर शर्म होती है। तो गाइस, उन बंदों के लिए कहना चाहूँगा कि आप जो ना मोटो व्लॉग कर रहे हो, अब मैं बैठा हुआ बाइक पर, मेरा इतना हिस्सा आ रहा है, ठीक है, कैमरा मेरे कहाँ लगा है, मेरा कैमरा लगा है आगे, ठीक है, इसमें मेरा फेस नहीं दिख रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, घर से बाहर निकलना है, बस बाइक पे मोटो व्लॉग शुरू करना है, बाइक पे ख़त्म कर देना है, ठीक है। वो तो फेस दिखाना ना दिखाना आगे की बात है, जबकि जब देखी जाएगी, पहले स्टार्टिंग में आपको यही करना है। और जब आप कैमरे के पीछे रहोगे ना, और पीछे रहोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, बोलने में चालने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि आप जो ना कैमरे के आगे नहीं, आप पीछे बोल रहे हो, ठीक है, सब कुछ बात है। और अब आ जाते हैं इस टॉपिक पर कि बहुत से बंदे बोलते हैं यार हम अपने व्लॉग में दिखाएँ क्या, मतलब करें क्या, कंटेंट कहाँ से लेके आएँ। तो भाई एक बात आपको बता दूं, घर पे बैठे रहोगे, सोचते रहोगे, कुछ भी करते रहोगे, कंटेंट नहीं मिलने वाला, ठीक है। कंटेंट कमरे के अंदर नहीं मिलता है गाइज, रोड पे आने के बाद मिलता है, ठीक है, ये बात आप मेरे व्लॉगों में देख सकते हो। अब तीसरे टॉपिक पर मैं आता हूँ, जो कि सबसे मेन टॉपिक है, ठीक है, इस पर सबसे पहले इस पर ध्यान देना, ठीक है। वीडियो छोड़ के मत जाना, पूरी देखना, आपके काम की वीडियो हो सकती है, आप कुछ अगर चीज़ अटक रही होगी, कुछ काम अटक रहा होगा, तो इसमें सोल्यूशन क्या पता मिल जाए आपको, तो उसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी शुरू में बहुत दिक्कत हुई थी, लेकिन अब भी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन बट वो भी बात देखी जाएगी, मैं तुम्हारा भाई झेल लेता है। इस चीज़ पर बात करते हैं कि बहुत से बंदे पता क्या करते हैं, कैमरा चालू कर लिया हेलमेट पर लगा के, अब वो क्या करते हैं, थोड़ी दूर चले, बोले, कैमरा बंद कर दिया, किस डर से, बैटरी नहीं है, चार्जिंग नहीं है फ़ोन में, ये नहीं है वो नहीं है। तो भाई एक बात आपको बताऊं, इसका आपको बेनिफिट क्या है, और इसका ये बता दूं आपको नुकसान क्या है, ठीक है, इसका बेनिफिट और इसका नुकसान दोनों ही बता देता हूं मैं, ठीक है। कैमरा बंद करने का नुकसान क्या है, और कैमरा चालू करने का फ़ायदा क्या है। तो पहले भाई बात कर लेते हैं कैमरा बंद करने का नुकसान क्या है, ठीक है। कैमरा बंद करने का नुकसान यही है कि भाई सीधी सी बात है, अगर आप चल रहे हो, ठीक है, आपने कैमरा बंद कर दिया, आपने बोला चाला अपने व्लॉग में और कैमरा बंद कर दिया, आपने सोचा कि आगे जाके चालू करूंगा, आगे जाके बनाऊंगा व्लॉग, क्योंकि अभी बैटरी कम है मेरे में, ये वो है फलाना डिमका जो भी बात है, तो आपने कैमरा बंद कर दिया, आगे जाके कोई सीन हो जाता है रोड पे किसी का, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्टेंट। कॉन्टेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको खुद बनाना है कॉन्टेंट, तभी भी मिल सकता है। तो भाई वही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि अब मैं चल रहा हूँ, कोई बंदा ठुक जाए, अल्लाह ना करे, मतलब कि एक बात बता रहा हूँ आपको, कोई ठुके ना, खैर मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, कोई अगर लग जाए, कुछ भी बात हो जाए रोड पे, तो तुम उसका व्लॉग शूट कर लोगे, वही थंबनेल डाल दोगे। तो क्या है,
एक्सीडेंटेड जो वीडियो होती है ना वो बहुत ज़्यादा चलती हैं। ये बात मैं नहीं, सभी जानते हैं कि एक्सीडेंटेड वीडियो बहुत ज़्यादा चलती है और बहुत तेज़ी के साथ ग्रो होती है, वायरल होती है, उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं हज़ारों के हिसाब से। तो सीधी सी बात है, कैमरा चालू करके रखना है आपको, रिकॉर्डिंग करते हुए चलना है, ठीक है। क्या पता क्या सीन हो जाए और क्या कंटेंट आपको मिल जाए। और सीधी सी बात है, घर पे नहीं बैठना है, ठीक है, मेहनत करनी है, बाहर निकलना है रोज़ के रोज़। अगर टाइम नहीं है आपके पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जो ना छुट्टी के दिन व्लॉग बना लो दो तीन कैसे ना कैसे करके, ठीक है। बहुत सारे चैनल होते हैं बाइक से रिलेटेड, ठीक है, आप किसी भी चीज़ का चैनल बना सकते हो। भाई मैंने तो मोटो ब्लॉगिंग, मेरे को शुरू से पसंद थी तो मैंने तो भाई मोटो ब्लॉगिंग करी। आप पता क्या करते हो, आप लोगों के लिए, आप जो ना आप लोग क्या सोचोगे कि पुलिस वाले खड़े हुए हैं आगे, ट्रैफिक वाले, ठीक है, आपके पास मान लो कागज़ नहीं है, ठीक है, मैंने मान लिया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप गाड़ी को बैक ले लोगे, या तो भगा लोगे या देख के भाग जाओ उनको वापसी। तो भाई आप लोगों के लिए ना वो चीज़ अलग है, और अपने लोगों के लिए ना पता क्या है, अपने लिए कंटेंट है। तो वही है गाइस, आप लोगों के लिए वो चीज़ क्या होगी कि आपके पास लाइसेंस वगैरह नहीं है, आप भाग जाओगे, तो भाई हम जैसे मोटो ब्लॉगों के लिए वो कंटेंट होता है। अगर वो रोकते हैं ना अपने को, तो भाई तुम्हारा भाई तो रुक जाता भाई, लेकिन भाई पता नहीं क्या रीज़न है यार, तुम्हारे भाई को रोकते ही नहीं यार, पता नहीं क्या बात है यार। अभी तक कोई भी मेरे चैनल पर जाके देख लो, रोका ही नहीं यार कभी वो तुम्हारा भाई। ये नहीं है कि पीछे भाग जाता है, आपको दिखेगा भी कि बाकायदा उनके सामने से जा रहा है तुम्हारा भाई, और रोकते ही नहीं है। तो भाई ये बात कभी भी ध्यान में रखनी है कि कभी भी आपको रोके भाई कोई भी, तो भाई रुक जाना, पुलिस वाला वगैरह रोके तो, और उस चीज़ को कंटिन्यू करना उनके सामने। और वो बोलते हैं आपको हेलमेट उतारने के लिए, तो हेलमेट भाई अगर वो ज़्यादा ज़बरदस्ती करते ना जब ही उतारना, बाकी उतारना मत, बोलो आपको डॉक्यूमेंट से मतलब है, आप डॉक्यूमेंट्स देखो। उनको पता है क्या करना है, अपने को उलझाना है, उनसे बहस करनी है, अपने को जो ना वीडियो अपनी जो ना व्लॉग को कंटिन्यू करना है उनके सामने ही, ठीक है, जो कि पब्लिक जो ना रुकी रहे उस चीज़ को देखे। तो भाई एक चीज़ आपको बता दूंगा अभी, पहले यहाँ से जाम में से निकल लेता हूँ, और आपको पहले बता चुका हूँ कि जाम में कभी भी बोलना नहीं है अपने को, ठीक है। यूट्यूब बना ही इसलिए है कि लोगों की बातों का मतलब कि उनके जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो भी उनकी यूज़फुल चीज़ें हैं, उस चीज़ का ध्यान रख सके, ठीक है, उस चीज़ को ध्यान रख सके। जैसे कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं यार, इस पर यूट्यूब पे देख लेते हैं यार ये सलूशन क्या पता हमें को मिल जाए यूट्यूब पे, तो वही चीज़ है, यूट्यूब इसी चीज़ का नाम है। तो इसी मारे भाई कंटेंट पहले ज़रूरी है, सर्चेबल वीडियो होने चाहिए। और दूसरी बात है, अगर वीडियो तुम बना रहे हो ना, आपकी वीडियो वही चलेगी जो वीडियो सर्च में आती है, ठीक है, आप सर्चेबल टॉपिक बनाओ जो भी है, और जो कि आपको मैंने बता दिया है सारी बातें, आपको समझा दिया कि कैसे व्लॉग करना है कैसे नहीं करना है। तो आप चाहते हो अगर मैं सेटअप के ऊपर अपने व्लॉग करूं, तो गाइस मेरे को कमेंट कर दो, ठीक है, और कमेंट करोगे जब भी मेरे को पता लगेगा गाइस, क्योंकि मेरी ऑडियंस जो भी यार पता नहीं क्या यार, प्यार तो बहुत करती है रेहान डीसी से, लेकिन जो ना कमेंट नहीं करती यार एक भी प्यारा सा, कमेंट करने में क्या जाता है यार, लिखो भी मत यार, एक दिल्ली भेज दो यार तुम्हारे भाई को यार। तो भाई वही चीज़ है यार, सीधी बार रोड देखो कितने प्यारे हैं यार, औसम रोड है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी और मेरी बातें आपके समझ में आ गई हों, तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लेना मेरे व्लॉग की पहली नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राइड सेफ, लाइफ सेफ, एंड अपना हेलमेट पहन के चलें, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।